बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के हवाले से चल रहा था। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में डिटेल से वाटर की बात की, उसकी इम्पोर्टेंस की बात की, और कार्बोहाइड्रेट्स को और उनकी डिफरेंट टाइप्स, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स को हमने डिटेल से डिस्कस किया। तो आज हम तीसरे नंबर पर बात करने जा रहे हैं लिपिड्स की। लिपिड्स क्या है? आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाट आर लिपिड्स? लिपिड्स आर हेटरोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड विद फैटी एसिड्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं क्लियर करता चलूं कि लिपिड इसमें कोई एक किस्म के कंपाउंड्स शामिल नहीं है, ये हेटरोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड है। हेटरोजीनियस मीन मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, जिस तरह नाम से जाहिर है कि हेटरो मीन मुख्तलिफ, डिफरेंट। तो एक्चुअली लिपिड्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स हैं। इसमें हम फैटी एसिड्स के साथ बात करेंगे एस्टर्स की, इसके साथ हम बात करेंगे कीटोन्स की, इसके साथ हम बात करेंगे एल्डिहाइड्स की। इम्पॉर्टेंट लिपिड्स हैं कौन कौन से जो हमारे इर्द गिर्द हमारी डेली लाइफ में मौजूद हैं? इनमें फास्फोलिपिड्स हैं, इनमें वैक्सेस हैं, टर्पिनोइड्स हैं, स्फिंजोलिपिड्स हैं और स्टीरॉइड्स हैं। लिपिड्स बेसिकली इनसॉल्युबल वाटर हैं। डियर स्टूडेंट, क्लियर करता चलो कि लिपिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो पानी में हल नहीं होते। तो फिर किस में हल होते हैं, किस में ये सॉल्युबल हैं? लिपिड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्युबल है। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से हैं? इनमें ईथर है, बेंजीन है, इनमें क्लोरोफॉर्म है। लिपिड्स इनके अंदर हल होते हैं, लिपिड्स पानी के अंदर हल नहीं होते। लिपिड्स की इंपॉर्टेंस क्या है? लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स, हाइड्रोफोबिक है। डियर स्टूडेंट, क्लियर करता चलूं कि हाइड्रो मीन वाटर, फोबिक मीन हीटिंग। मतलब नेचर के अंदर दो किस्म के कंपाउंड्स हैं, एक हाइड्रोफिलिक है और एक हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक वो होते हैं, दे आर वाटर अट्रैक्टिव, वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक वो होते हैं जो वाटर रिपेलेंट होते हैं, वाटर एक्चुअली हीटिंग है, ये पानी से दूर रहने वाले हैं, दे नॉट क्रिएट एसोसिएशन विद दी वाटर। तो पानी से दूर रह के दे एक्चुअली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, स्पेशली सेल की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको ये स्टेबलाइज करते हैं ड्यू टू दिस हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी। इसके अलावा दीज लिपिड्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये लिपिड एनर्जी का सोर्स है। ये हमारी डेली लाइफ में घी मक्खन की सूरत में मौजूद हैं और हम इनको खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। डियर स्टूडेंट, क्लियर करता चलूँ कि ये लिपिड प्रोवाइड डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये लिपिड्स हमें इक्वल अमाउंट में, अगर हम प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट्स को खुराक के तौर पे इस्तेमाल करें तो लिपिड हमें उनकी निस्बत दुगना तवानाई देते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं क्लियर कर दूं, तकरीबन 10 ग्राम अगर हम डाइट के तौर पे लिपिड्स को लें तो उससे हमें 9.1 किलो कैलोरी तवानाई मिलती है, और अगर हम इतनी ही अमाउंट
कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट के तौर पे लें तो उससे हमें 4.5 किलो कैलोरी तवानाई मिलती है, और अगर इतनी ही अमाउंट हम प्रोटीन्स की एज अ डाइट के तौर पे लें तो इससे हमें 4.6 किलो कैलोरी तवानाई मिलती है। तो अगर हम इस चार्ट को गौर से देखें तो हमें लिपिड एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन डबल अमाउंट एनर्जी की दे रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमें ये लिपिड डबल अमाउंट एनर्जी की क्यों देते हैं, इसकी क्या वजह है? एक क्वेश्चन अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे एग्जाम में पूछा जाता है, वेल लिपिड प्रोवाइड डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इन इक्वल अमाउंट। तो डियर स्टूडेंट, इसकी वजह कि लिपिड्स के अंदर कार्बन टू हाइड्रोजन एसोसिएशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन टू ऑक्सीजन एसोसिएशन। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि दिस कार्बन टू हाइड्रोजन एसोसिएशन इज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड एनर्जी ऑन ब्रेक डाउन। सो इन लिपिड कार्बन टू हाइड्रोजन एसोसिएशन आर मोर देन कार्बन टू ऑक्सीजन एसोसिएशन। तो यही वजह है कि लिपिड के अंदर कार्बन टू हाइड्रोजन प्रोपोर्शन इन बॉन्ड का तनासब ज़्यादा होने की वजह से ये हमें ज़्यादा तवानाई देते हैं बनिस्बत किसके, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, लिपिड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये लिपिड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वैक्सी कवरिंग अराउंड द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। ये आर्थ्रोपोड्स को प्रोटेक्ट करते हैं उनके बैरूनी ढांचे के अंदर वैक्सी कवरिंग की सूरत में। इसके अलावा लिपिड्स फॉर्म अ वाटरप्रूफ कवरिंग अराउंड द एनिमल्स स्पेशली अराउंड द बॉडी ऑफ द शीप, और ये वाटरप्रूफ कवरिंग प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वाटर लॉस। ये कवरिंग उनकी बॉडी से पानी को प्रोटेक्ट करती है, पानी को उनकी बॉडी से ज़ाय होने से बचाती है। इसके अलावा ये क्यूटिकल की सूरत में अराउंड द लीव्स एंड फ्रूट्स प्रोवाइड प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एब्रेसिव डैमेज। ये पत्तों को और फलों को उनके बाहर एक क्यूटिकल की सूरत में लेयर बनाकर एक तो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है डैमेज होने से, और दूसरा उन लीव की सतह से पानी को इवेपोरेट होने से भी मिनिमाइज करती है। तो डियर स्टूडेंट, इन लिपिड्स का काम बॉडी को प्रोटेक्ट करना भी है। तो इम्पोर्टेंस में हमने बात की कि ये हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी रखने की वजह से ये मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करते हैं, और दूसरे नंबर पे हमने बात की कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, और तीसरे नंबर पे हमने बात की कि दे प्रोवाइड प्रोटेक्शंस। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इन लिपिड्स की डिफरेंट टाइप्स की तरफ जा रहे हैं। उनमें हम पहले नंबर पे डिस्कस करेंगे एसाइल ग्लिसरॉल्स को। एसाइल ग्लिसरॉल्स क्या है? एसाइल ग्लिसरॉल्स को हम न्यूट्रल लिपिड्स का नाम भी देते हैं। एक्चुअली एसाइल ग्लिसरॉल्स में जो मेजर एसाइल ग्लिसरॉल्स हैं वो है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स, या इनको हम एक नाम देते हैं ट्राई ग्लिसराइड्स। ये एसाइल ग्लिसरॉल्स हैं क्या? एक्चुअली एसाइल ग्लिसरॉल्स आर दी एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल्स एंड फैटी एसिड्स। एस्टर बॉन्ड एक्चुअली अल्कोहल और एसिड के दरमियान एसोसिएशन है, और इसमें हमेशा हम बात करते हैं अल्कोहल की, जिसमें मैंने यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल की बात की है, प्लस एसिड में मैंने एसिटिक एसिड जो कि एक दो कार्बन वाला एसिड है उसमें। डियर स्टूडेंट, याद रखना कि अल्कोहल हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप देगा और एसिड हमेशा हाइड्रोजन देगा, और इस हाइड्रोक्सिल और
हाइड्रोजन एसोसिएशन के नतीजे में H और OH मिलकर वाटर रिलीज करेगा और अल्कोहल और इस एसिड के दरमियान ऑक्सीजन का एक बॉन्ड स्टेबलाइज होता है और ऑक्सीजन के इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं एस्टर बॉन्ड। तो एक्चुअली ये एसाइल ग्लिसरॉल भी इसी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स का एस्टर है। तो इससे पहले मैंने बात की कि ग्लिसरॉल क्या है, मैंने कहा ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है और ऐसा अल्कोहल है जो तीन कार्बन वाला है और उसकी हर कार्बन के साथ OH ग्रुप है। इट मींस कि ऐसा अल्कोहल है जिसमें तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। और दूसरे नंबर पे हम बात करने जा रहे हैं फैटी एसिड्स की कि ये फैटी एसिड्स क्या हैं। क्योंकि एसाइल ग्लिसरॉल मिक्सचर है, एस्टर्स हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के। ग्लिसरॉल्स में डिस्कस कर चुका हूं कि एक तीन कार्बन वाला अल्कोहल है और फैटी एसिड्स हाइड्रोकार्बन्स हैं कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एट टर्मिनल कार्बन। डियर स्टूडेंट, इन हाइड्रोकार्बन में कार्बन की तादाद कुछ भी हो सकती है, दैट फ्रॉम 2 to 30, 2 से लेकर 30 तक हो सकती है। इसलिए हम उनको आर से इंडिकेट करेंगे और उनके आखिरी जो कार्बन होगी उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को जिसके टर्मिनल कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, इनको हम नाम देते हैं फैटी एसिड्स। दो कार्बन वाला एसिटिक एसिड है, चार कार्बन वाला ब्यूटेरिक एसिड, सोलह कार्बन वाला पामेटिक एसिड अठारह कार्बन वाला ओलिक एसिड। रेस्टोरेंट मैंने बताया कि फैटी एसिड में कार्बन की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, 2 to 30 हो सकती है और 2 कार्बन वाले को हमने नाम दिया एसिटिक एसिड, 4 कार्बन वाले ब्यूटेरिक एसिड, 16 कार्बन वाला पामेटिक एसिड, 18 कार्बन वाला ओलिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट, ये फैटी एसिड बुनियादी तौर पर 2 किस्म के हैं। एक हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दूसरे हैं अन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या है? दीज फैटी एसिड्स नॉट कंटेन डबल बॉन्ड। ये ऐसे फैटी एसिड्स हैं जिनके हाइड्रोकार्बन में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। जैसे मैंने एस्टिक एसिड की बात की, ब्यूटेरिक एसिड की बात की, पामेटिक एसिड की बात की, इन तमाम फैटी एसिड्स में कोई डबल बॉन्ड नहीं है और ऐसे फैटी एसिड जो कि सैचुरेटेड होंगे उनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। इसके अलावा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स कंटेनिंग 1 to 6 डबल बॉन्ड्स
ये ऐसे फैटी एसिड्स हैं जिसमें एक से लेके छः तक डियर स्टूडेंट डबल बॉन्ड होते हैं। जैसे मैंने बात की यहाँ पे ओलिक एसिड की, और ओलिक एसिड ऐसा फैटी एसिड है जिसमें डबल बॉन्ड है। डियर स्टूडेंट क्लियर करता चलो कि इन फैटी एसिड्स की एक्चुअली जो हमारे इर्द गिर्द फैट्स मौजूद हैं इनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इनको हम आमतौर पे फैट्स का नाम देते हैं। दे बिकम सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे जम जाते हैं, इसलिए ये डाइट के हवाले से दे प्रोवाइड मोस्ट ऑफ कोलेस्ट्रोल, इसलिए डाइट के हवाले से ये ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इनमें इम्पॉर्टेंट ऑयल्स हैं और दे रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये वो हैं जो रूम टेम्परेचर पे जमते नहीं हैं, और न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये ज़्यादा बेहतर कंसिडर होते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड लेस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रोल। डियर स्टूडेंट इनकी सोलबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। जितना ज्यादा कार्बन एटम इनमें ज्यादा होंगे उतना ही इनकी सोलबिलिटी भी ज्यादा होगी और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। डियर स्टूडेंट जैसे यहां पे पामेटिक एसिड है 16 कार्बन वाला, दैट इज मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू ब्यूटेरिक एसिड जिसके अंदर कार्बन की तादाद कम है, और मेल्टिंग पॉइंट भी ब्यूटेरिक एसिड का -8 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम है। वनस्पत पामेटिक एसिड जिसका मेल्टिंग पॉइंट 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो डियर स्टूडेंट मैंने बताया कि इनकी सॉल्युबिलिटी और इनकी मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक एक्चुअली नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ है। कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती जाएगी, हाइड्रोकार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी फैटी एसिड्स के अंदर, तो इनकी सॉल्युबिलिटी और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जीरो पॉइंट एट है, वाटर की ग्रेविटी 1 होती है और इसकी पानी से कम है ग्रेविटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होने की वजह से दे एक्चुअली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ये पानी की सतह पे तैरते रहते हैं। मैंने बताया कि दीज आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल, और मैंने इनिशियली डिस्कस किया कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक ग्लिसरॉल जो कि एक 3 कार्बन वाला अल्कोहल है, और दूसरा हमने बात की कि इसमें फैटी एसिड्स हैं, और फैटी एसिड्स ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनके आखिरी कार्बन के साथ COOH है, और ये जो मैंने R इंडिकेट किया, R इंडिकेट कर रहा है इनमें कार्बन की तादाद को, और कार्बन की तादाद इनमें कुछ भी हो सकती है, फ्रॉम 2 to 30 हो सकती है। डियर स्टूडेंट इसमें मैं क्लियर करता चलूं कि ग्लिसरॉल हमेशा अल्कोहल OH ग्रुप देता है और एसिड हमेशा H, इस H और OH के मिलने से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन एसोसिएशन के जरिए एसिड अटैच होता है, और इस ऑक्सीजन एसोसिएशन को हम नाम दे चुके हैं एस्टर बॉन्ड, और इसमें एक फैटी एसिड अटैच हुआ है, इसे हम कहते हैं मोनोएसाइल ग्लिसरॉल। डियर स्टूडेंट अगर दूसरा फैटी एसिड भी इसके साथ आके अटैच हो जाए तो इसमें 2 मॉलिक्यूल वाटर के रिलीज होंगे और
OH H के साथ जुड़ेगा, एक और एस्टर बॉन्ड बनेगा, इसे हम नाम देंगे डाई एसाइल ग्लाइसिरोल्स। एक्चुअली ज्यादातर जो एसाइल ग्लाइसिरोल्स हैं वो ट्राई एसाइल ग्लाइसिरोल्स हैं, इनको हम ट्राई ग्लाइसिराइड्स भी कहते हैं, इन्हीं को हमने नाम दिया है न्यूट्रल लिपिड्स का। और इनमें एक्चुअली तीन फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, और डियर स्टूडेंट मैंने बताया कि इस अल्कोहल और एसिड एसोसिएशन में हमेशा OH ग्रुप अल्कोहल देगा और एसिड हमेशा H देगा। इस H और OH एसोसिएशन के नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और इसमें तीन फैटी एसिड अटैच हुए हैं तो वाटर मॉलिक्यूल भी यहां पे तीन रिलीज होंगे, और इससे एस्टर बॉन्ड के नतीजे में तीन फैटी एसिड जो है ना वो अटैच होंगे, और इसको हमने नाम दिया है ट्राई एसाइल ग्लाइसिरोल या न्यूट्रल लिपिड्स। थैंक यू वेरी मच।